Hey guys, welcome back to YouTube channel. दोस्तों आज के इस में बात कर रहे हैं फैम पे एप्लीकेशन पर। अगर आप यहाँ पे अर्निंग कर चुके हो फैम पे वॉलेट में, तो डेफिनेटली आप उस अर्निंग को ट्रांसफर कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही इजीली, वो भी 0% कमीशन के साथ। आपको एक रुपए भी कमीशन पे नहीं करना पड़ेगा। डेफिनेटली अब यहाँ पॉसिबल हो चुका है, बहुत ही गजब का ट्रिक लेके आ चुका हूँ। तो गाइस प्लीज इस वीडियो आप एंड तक बने रहें। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मैं निक एज और आप देख रहे हैं टेक इन्वेंटेड। सिंपल आपको साइड में स्क्रीन शो कर देता हूं, प्लीज आप वहां पे ध्यान दीजिए। तो गाइस सबसे पहले आपको फैम पे एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहां पे आप देख सकते होंगे मेरे अकाउंट बैलेंस अवेलेबल है 235 रुपीज। तो गाइस यहां पे आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है पे का। तो गाइस सिंपली आपको पे पर टैप करना है। पेपर टैप कंप्लीटली करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना QR कोड जो होता है, जो भीम में UPI का जो भी QR कोड होता है, चाहे वो गूगल पे का हो, चाहे वो फोन पे का हो, चाहे वो पेटीएम का हो, या फिर जो अदर एप्लीकेशन का हो, उस QR कोड को आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे स्कैन नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो डायरेक्टली UPI ID एंटर करके, डेफिनेटली आप UPI ID एंटर करके भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो वैसे आपको UPI ID एंटर करना है, तो वैसे उसके लिए आपको यहाँ पे 2 UPI ID पे टैप करना है। टैप कम्प्लीटली करने के बाद यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको सिंपली एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड पेपर टैप करना है। जो भी अकाउंट नेम होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा, पेइंग अनिकेत कुमार झा, यहाँ पे आप देख सकोगे। आप यहाँ मैक्सिमम 1 लाख रुपीज ट्रांसफर कर सकते हो एट अ टाइम। उसके बाद यहाँ पे आपको एंटर कर लेना है अमाउंट। यहाँ पे मैंने नॉर्मली 10 रुपीज एंटर कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पे टैप करना है, तो कैप्शन ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको दोबारा नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेपर टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ही देर में आपका यहाँ पेमेंट प्रोसेसिंग होगा, और यहाँ पे 2-3 सेकंड में आपका यहाँ पेमेंट डन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अनिकेत कुमार झा ट्रांसफर हो चुका है, और मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट भी हो चुका है 10 रुपीज, और यहाँ पे मनी पेड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको पेड यूजिंग पर्सनल अकाउंट UPI ट्रांजेक्शन ID देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ VPA देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फैम पे ट्रांजेक्शन ID भी देखने को मिल जाता है। अगर आपको इस ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई भी इशू क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली आप गेट हेल्प पे टैप करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हो, कंप्लेन रजिस्टर करवा सकते हो अपने कंप्लेन के कैटेगरी के हिसाब से। तो गाइस कुछ इसी तरीके से आपको फैम पे वॉलेट से ट्रांसफर करना अपने बैंक अकाउंट में। डेफिनेटली आप यहाँ पे UPI ID एंटर करके, QR कोड स्कैन करके डेफिनेटली ट्रांसफर कर सकते हो। सो गाइस आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, ईश्वर से मत मिलियो, ईश्वर से जानकारी मिली हो, तो गाइस प्लीज ईश्वर को लाइक कर देना और हमारे चैनल को देना सब्सक्राइब। तो आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए कुछ इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते। तो गाइस फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।